भाई है नीचे देख। जब वैष्णो देवी जाऊँ इसको ही लेकर चल। अरे भाइयों को भाई सुबह की राम राम, होप करता हूँ सब भाई बहन अपना घर में बहुत ही मजे कर रहे होंगे, बहुत ही मजे आ रहे होंगे ना तुम्हें घर पे तो, और मुझे भी मजे आ रहे हैं। तो भाई अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है और मैं तुम्हें एक बार मौसम चेक करा दूँ। और मैंने पता बीच में इतने अच्छे अच्छे वो लिए हैं। लो भाई एक बार तुम मौसम चेक कर लो भाई, मौसम कह रहा हूँ ये, सॉरी व्यू चेक कर लो, व्यू कितना प्योर है भाई, नीचे देख लो भाई। फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं भाई अपने वैष्णो देवी जी के मंदिर में, नहीं भाई अभी स्टेशन में पहुंच के आ रहा हूँ भाई। मैं पूरी बात सुन ले करो पूरी भाई, तुम्हें एक बात बताऊं, जहाँ मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था भाई, मैंने वहाँ पे जल्दी जल्दी में व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि भाई ट्रेन छोड़ के भाग गई थी, ट्रेन का हॉर्न बजा, मैंने व्लॉग बंद करा, मैंने कहा व्लॉग बाद में बन जाएगा, पहले दर्शन होने जरूरी है, पहले पहुंचना जरूरी है। और यहाँ पे आंटी आंटी ठीक ठाक हो आप? हाँ, पैर वैर तो ना दुख रहे? ऊपर का बाद वो देख लो, पहाड़ देख लो, पहाड़ और घर भी देख लो। हम पहुंच चुके हैं भाई अपने कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर, और भाई यहाँ पे एक बार वो चेक कर लो, तुम एक बार मौसम चेक कर लो, मौसम के यार बादल नहीं हो रहे। और ले भाई भारत माता को हमेशा सलाम है भाई हमारी तरफ से। हेलो भाइयों, हम आ चुके हैं भाई अपना रूम वूम हमने बुक करवा लिया। लो भाई अगर किसी को भूमि का टेम्पल जाना हो तो भाई नाम भी कैसे कैसे हैं टेम्पलों के, लो भाई हमने पता है दो बुक करवा लिए। मैं तुम्हें एक बार व्यू दिखा दूँ हमने बालकनी से, ये वाला व्यू है भाई, ये तुम्हें बता दूँ पहाड़ की जड़ें हैं, पहाड़ की जड़ जैसे पहाड़ कटके बनते हैं ना, ये सब वही चीज़ है। और यहाँ से मतलब जाते हैं उधर की साइड वैष्णो देवी की तरफ, और ये अपने दो बुक करवा दिए हमने। घुसते हम नंगे पैर, फिर मिलता तोमर भाई, फिर मिलता ये, फिर मिलता फिर मैं मिलता हूँ भाई। लो भाई अपना क्या, पूरी रात तो हम सोए ना, अब क्या करें, अब सोना पड़ेगा। तो भाई जस्ट हम बाहर निकल चुके हैं भाई अपने होटल से, और इस टाइम लग चुकी है भूख भाई, सुबह खाया था और अब खान चल रहे हैं, अब क्या करें भाई, अब भूख भूख तो ऐसी चीज़ है भाई इंसान को मार देती है भाई। मैं अभी जस्ट सो के उठा था, मैं सो गया था 11 बजे और मैं उठ गया अब 2 बजे के आसपास, मैं अपने बता रहा हूँ 11:30 के आसपास। चलो कोई बात नहीं भाई, क्या लड़ाई झगड़ा करें, इस चीज़ में 12 बजे सो गया हूँ मैं, 2 बजे उठ गया ठीक। ढाबा इस पर रोटी खाएंगे फिर चलते हैं घर। और भाई तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाऊँ भाई, मेरे फेवरेट मौसम आने लग गया, ये देखो भाई जहाँ बादल वहाँ मेरा फेवरेट मौसम भाई, क्वालिटी देखो एक बार, मेरे फ़ोन की तारीफ़ कर दो कि भाई अब मैं क्या करूँ भाई, फ़ोन की क्वालिटी में क्या है, जब पैसा गया तभी तो फ़ोन की क्वालिटी आई है। लो भाई तुम्हारे भाई ने ले लिया भाई 2 चॉकलेट, और चॉकलेट ऊपर जा खाते हैं अपने लिए, एक दोमर भाई के लिए। लो भाई तुम्हारा भाई कर रहा है गोरिल्ला पोर्ट से शूटिंग, लो अंकल जी हैं, मजा आ रहा पूरा? पूरा 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 पूरा। अब कितने बजे चलेंगे पहले और बता दो? अब हाँ 5 बजे। अब यहाँ से कितने बजे चलेंगे? 5 बजे। कल सुबह बोल रहे थे आप तो? नहीं, कहाँ पे? अर्थकुवारी। अर्थकुवारी पे? अच्छा, रात को अर्थकुवारी पर रुकेंगे भाई, ये थोड़ा प्लान में चेंजिंग कर रहे हैं क्या? तो भाई जो सीनियर सिटीजन है मैं जाओ जिसे जाना, हम तो सुबह आएंगे कल। और भाई देख लो भाई कहाँ गया यार मेरा फेवरेट वो हो गया यार, मैं तुम्हें यहाँ से एक टेंपल दिखाऊं, ये रहा भाई ये रहा टेंपल है ना भोले बाबा जी का, कितनी बार मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई मैंने ये पता क्यों लाया मैं ये वाला ट्राइपॉड, क्योंकि भाई पब्लिक को दिखाने जैसे पब्लिक को लगा मैं व्लॉग बनाता हूँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पकड़ के, है ना मजा ना रहा? बताओ सही से बता, तो शूटिंग मैं कर रहा हूँ, मजा तो जा रहा है ऐसी खाली पीली उधर कुत्ते दे कौन चढ़ रहा दिख गया तुझे ये हो रहा। तो भाई मैं सोच रहा था पहले नहा लिया जाए, फिर नहा के भाई चलना चाहिए हमने ये वाला मंदिर में, तो टेंपल में। तो अब पहले मैं नहा लेता हूँ फिर रेडी होके चलता हूँ टेंपल में, आपको शॉट दिखा दूंगा। तुम्हारा भाई साथ है, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात ना, अगर तुम मेरे व्लॉग में ऐसे देखते रहोगे भाई ऐसे मजा आता रहेगा तुम्हें पूरा पूरा, नो मतलब बोर भी नहीं होगे तुम, कुछ भी नहीं होगे, बस ऐसे ही देखो और प्यार बढ़ाए रखो। फाइनली भाइयों मैंने अपनी चप्पल धो लिया है और बस मैं तुम्हारा भाई नहा के ऑल सेट हो चुका, तुम्हें दिख रहा होगा, तो बस मैं बवाल में तेल वेल और लगा लूं। ध्रुव भाई को देखो ये क्या कह दी कभी ने, कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है भाई अपना भाई है, मेरी गैल रहेगा तो अच्छे लगेगा, तो क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा बता, तू ही बता दे भाई, बहुत अच्छा लगा भाई, बस मुझे तो आज मैं क्वालिटी का फैन हो रहा हूँ बस अपने फोन की भाई, क्योंकि क्वालिटी आ रही है क्या बताऊं। चलो भाई पहले टेंपल चल लेते हैं, मैं बाल में तेल वेल और लगा लूं फिर मिलता हूं आप सभी लोगों से। भाई होटल में से तो निकल चुके हैं, जस्ट हम जा रहे हैं टेंपल में, भाई पीछे रोशनी आ रही होगी इसलिए भाई मैं तुम्हें नहीं दिखा पा रहा, आगे जाके दिखाऊंगा भाइयों। अभी तो पता हूँ कितनी सीढ़ी चढ़ी है, 3 सीढ़ी चढ़ी है गिनती की, और देख लो उसी में ही हमारी हालत थोड़ी कुछ भी नहीं हुई भाई। तो हम पहले जा रहे हैं भोले बाबा जी की जो मूर्ति दिखाई हमने वहाँ पे, और यहाँ पे हुआ था भंडारा भी थोड़ी देर पहले, चलते हैं ऊपर चलते हैं फिर मिलते हैं। छोटी छोटी जगहों से निकलना पड़ता है ऐसे करके ऐसे। और शिट यार इधर रोड पे आ गए, अरे यार वो किधर है? अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं हम सही आए हैं भाई। पहाड़ों का ये तो सीन है, अगर कहीं से भी चले जाओ तो कहीं से पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा रास्ता कहाँ निकल, उतार दे तो फिर कौन सा पता।
उतार लेते हैं, इधर की साइड निकाल लो, उधर की साइड आ जा भाई। दिस इज पहाड़, और लो भाई पहाड़ के अंदर है ये सब चीज। भाई तुम्हें ये वाली चीज दिख रही है वाली, ये पहाड़ है ब्रो, ये देख लो। और पीछे अपने नंदी जी, जहाँ भी तुम्हें दिख रहा है नंदी जी का जहाँ पे भी फेस होता है वहाँ पे रख रहे थे शिवलिंग। और शिवलिंग किधर है ये रे भाई सब एक नंबर चीज। और भोले बाबा ये बैठे अपने सामने, बोल शंकर भगवान की जय। और ये हमारी माता दी, जय माता दी। भाई कुछ बताना चाहोगे इनके बारे में? ये बाबा जी की समाधि है सामने। हाँ जी, कौन से बाबा की? सिद्धनाथ बाबा जी की समाधि है। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई ने। जैसे तुम्हें पता, भाई ने बता दिया होगा भाई, ये पहाड़ बीच में बनाया पहाड़ों के, मतलब काट के थोड़ा। अच्छा 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 भाई, एक नंबर चीज भाई, देख लो। ओ भाई तुम इतने एरिया से पहचान सकते हो? पहचान सकते हो तो पहचान लो। हेलो, तुम्हें मैं एक चीज दिखा दूं। अभी एक अपना भाई हमने बहुत दूर से ढूंढा है, मिलवाया भाई ये बंदा, तुम्हें बताएगा क्या क्या चीज है भाई। एक बार ये वाली चीज बताइए, वाली चीज क्या? बंद पड़ा, बंद पड़ा मतलब निर्माण चल रहा है। और ये क्या, ये वाली चीज, ये वाली अर्धकुआरी जहाँ पे हम नहाएंगे मतलब कल जाके। अरे तो वो कौन सा है? वो वैष्णो माता मंदिर है, अब्बा मंदिर जहाँ वो टावर दिख रहे हैं। तुम पागल हो भाई। तो गाइस ये पागल हो चुका है भाई, इनके अंदर दिमाग दिमाग कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी, सुखी हवाबाजी करवा लो उनसे कितनी, इन्हें ना कुछ पता। ये भैया ठल इंसान वैसे नुकाए, हमें सब कुछ पता, इन्हें ना पता कुछ भी। मेरे से पूछ लो तुम, और मैं मेरे से पूछो, बताओ क्या क्या पूछोगे तुम बताओ। जम्मू कश्मीर में तो फिर भी अगर दो चार दिन रह ले तो आतंक मचा दूंगा मैं, बता दे बस। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए आतंक मचाने को तो हम झड़ जिले में बता दें यार, कोई दिक्कत वाली बात ना लो। देख लो भाई, ओ बेटे क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? अपना नुई है, अब जाके फोटो फाटो खिंचवा लिए यहाँ का, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड से मिल गया। तू क्यों इतना चौड़ा हो रहा है भाई, मतलब तू नू सोच रहा है बैकग्राउंड में तेरा भाई अक्षय खड़ा है तो क्या दिक्कत है? वैसे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, हो सकती है कोई दिक्कत, बताओ तुम ही बताओ। हां भाई खड़े, वहाँ भाईचारा खड़ा है, भाईचारा ऑन द टॉप है। चलता हूँ होटल में, मतलब रूम में, अपने थोड़ा सा रेस्ट करते हैं वहाँ पे, फिर शाम का प्रोग्राम देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। शाम का तो घूमेंगे ऐसी रोड पे घूमेंगे, रोड पे घूमेंगे। मैं सोच रहा हूँ रात को वहीं चढ़ जाऊँ ऊपर ही भाई। वैसे अगर मुझे और हम तीनों को टाइम दे जाए ना तो हम करीब करीब 4 घंटे में 2 घंटे चढ़ना 2 घंटे उतरना बिना दर्शन के हम कर सकते हैं। हम ऐसे बंदे हैं कि हम ना ऐसे ऐसे जाते, हम जाते हैं शॉर्टकट। है कोई टक्कर पे? भाई डरा दिया यार इसने तो अभी। यहाँ से भाई रास्ता, ये जो लाइन देख रहे हो भाई तुम, ऐसे ऐसे यही जो लाइन जा रही है भाई, ऐसे ऐसे zigzag वाला रास्ता है भाई ये। तो भाइयों हम निकल चुके हैं मार्केट में जम्मू की, और हम मजे ले रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं ना। तो भाई हम चलते हैं, मतलब अभी कोई खाने पीने का सौदा देख रहे हैं, कोई मिल जावे तो। और भाई पूरा पूरा मजा आ रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा मैंने जैकेट डाल ली। जैकेट क्यों डाल ली मैंने? क्योंकि भाई यहाँ पे ठंड हो रही है भाई। टेम्परेचर बताऊँ कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम कश्मीर की साइड जाएंगे ना, कश्मीर की साइड, ये सिर्फ जम्मू, अगर हम कश्मीर की साइड जाएंगे तो कश्मीर में टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। भाई देख लो कितना फर्क है वहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं कहीं खाने का सोचता, फिर मिलते हैं। आंटी जी से लगवा दिया मैगी, और सामने देख लो भाई वो देख लो है ना पहाड़ पे जो लाइट्स हैं, और लाइट्स के बीच मुझे भी देख लो। कहाँ जा रहा है तू? अलविदा। अलविदा निकल तो फिर, हमें जरूरत भी नहीं है तुम्हारी। शिट मैन, ये तो दिस इज नॉट गुड, गली बनी हुई है अंदर खाई में। खाई में? ये खाई नहीं है भाई, वो तू पहाड़ पे खड़ा है, ये खाई नहीं है। आ जा वापस आ जा। आइयो आज के लोग करता हूँ मैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ आप सभी को बहुत ही मजा होगा भाई, प्लीज व्लॉग में थोड़ा बने रहो है ना, इंटरेस्टिंग व्लॉग भाई तुम देख रहे हो, बहुत मजा आ रहा है भाई। कहाँ से गाजियाबाद से लेके जम्मू कश्मीर में हूँ। लो भाई देख लो पहाड़ के साथ, और आज के लोग करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। रात वाली रहा।